तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो मेरा कॉलेज है BIT पुणे। तो मेरे कॉलेज में अभी रिसेंटली एक हैकेथॉन कंडक्ट किया गया था, उसका नाम था इंटरनल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। तो उसके अंदर मेरी एक दोस्त की टीम भी गई थी और इसकी टीम ने फर्स्ट रैंक अचीव किया है इस हैकेथॉन के अंदर। तो उसका नाम है अंकुर राउत। तो आज अपन मिलने वाले हैं अंकुर राउत, उससे जानेंगे कि उसने कैसे इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन की, इस हैकेथॉन की प्रिपरेशन की, उन सब तमाम चीज़ों के बारे में आज अपन उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनको पता नहीं हैकेथॉन्स क्या होते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ कि हैकेथॉन्स क्या होते हैं। एक ऐसी कॉम्पिटिशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रुप लेकर आते हैं और वो ग्रुप का एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसको वो विनर घोषित कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो विनर रह चुके हैं अंकुर राउत की टीम, उसके साथ अपन आज बात करेंगे। तो आओ चलो मिलते हैं अंकुर से और जान लेते हैं कि उसने कैसी प्रिपरेशन की और उसका क्या स्ट्रैटेजी थी इस हैकेथॉन के अंदर। हाय अंकुर। हाय हाय आदित्य। तो अंकुर, अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुर है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी BIT में, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो अंकुर, आपको इस SIH के बारे में कैसे पता चला है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में, तो वो भी जरा अपने ऑडियंस को बताना। तो मुझे तो YouTube से ही पता चला, तो आपको पता ही है कि मतलब कितना ज़्यादा हम टाइम YouTube पे स्पेंड करते हैं। सो उसी में रिकमेंडेशन में कुछ तो आया था हैकेथॉन ये सब, तो हैकेथॉन के बारे में ही ऐसे सब पता चला था। उसके बाद अपने कोड विथ हैरी, जो हैरी भाई का जो चैनल है, सो उससे भी थोड़ा इन्फो मिला था कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन करके एक चीज़ होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ऑर्गेनाइज करती है। और फिर जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे, दो तीन जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे वो पहले से ही मतलब वो ये सब चीज़ें जानते थे। उन्होंने भी मतलब पुश किया कि हम लोग ये टाइम कुछ तो करते हैं, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली इसी से पता चला कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन होता क्या है और फिर मतलब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब हमने किया। मतलब इसका कुछ टीम क्राइटेरिया रहता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का, कि मतलब इतने मेंबर्स होने चाहिए और ऐसे स्किल्स आपको डेवलप होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, टीम क्राइटेरिया तो होता ही है कि मतलब कि टीम अपना 6 लोगों का होना चाहिए, जिसमें मिनिमम एक फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। मतलब कि ये बेसिकली यही रहता है टीम का क्राइटेरिया। मतलब ऐसा एज सच कुछ स्किल्स डिमांड तो नहीं होता है, कोई भी मतलब जाके वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। सो बेसिकली यही होता है कि 6 लोग चाहिए और कम से कम एक तो लड़की चाहिए, वैसे क्राइटेरिया होता है। अच्छा, तो ओके, तो इसके अंदर कुछ स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं जो हैकेथॉन के लिए जरूरी होते हैं, वो जरा बताना अपने ऑडियंस को जरा। मतलब स्किल्स रिक्वायरमेंट तो बेसिकली हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करती है कि हमने कैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है। बेसिकली वहाँ पर मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है। उसमें जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसमें उसी के आपके मतलब कि उसी के टाइप के आपके स्किल्स चाहिए। बेसिक आपको डेवलपमेंट के स्किल्स तो आने ही चाहिए, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट हो गया। आजकल ML के भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो मशीन लर्निंग का भी थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर आपको पता है, मतलब वेल एंड गुड, अगर वो सब चीज़ें पता है तो। स्किल्स तो मतलब वही है, हमारी जो टीम है वो भी मतलब वैसे ही होनी चाहिए कि सारे थोड़े थोड़े स्किल्स सबको पता होने चाहिए, मतलब थोड़े थोड़े चीज़ें सबका बेसिक्स सबको पता होना चाहिए। मतलब एक डोमेन के बारे में आपको एक स्पेसिफिक पता होना चाहिए इसके लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। करेक्ट। हाँ, तो जरा इसका स्ट्रक्चर बताना जरा SIH के बारे में, कि उसके फर्स्ट स्टेप मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड करना, वो सब कुछ स्टेप्स कैसे होते हैं उनके बारे में जरा बताना अपने दर्शकों को। SIH का मतलब कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में भी दो टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, कि हार्डवेयर का एक होता है और सॉफ्टवेयर का एक होता है। हार्डवेयर के कुछ 461 सॉरी सॉफ्टवेयर के कुछ 461 कुछ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, और हार्डवेयर के भी कुछ 103 या 110 कुछ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। इन सब में से आपको एक कोई भी शॉर्टलिस्ट करना होता है, अपने स्किल सेट के हिसाब से आपको देखना होता है कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। वहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो वही होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिसाइड करना होता है। उसके बाद फिर कॉलेज का रोल आता है। अपना जो कॉलेज होता है वो खुद रजिस्टर करता है ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को। हम मतलब ऐसी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी जाके वहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता, मतलब कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में, वो आपको कॉलेज के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपका जो कॉलेज है वो रजिस्टर करेगा वहाँ पर, फिर उसका सब प्रोसेस होगा, फिर कॉलेज एक नोटिस आप सबको देगा कि हमारे कॉलेज में इंटरनल हैकेथॉन होगा। इंटरनल हैकेथॉन इसलिए होता है कि शॉर्टलिस्ट करना होता है उन्हें टीम्स,
कि ऐसा ऐसा होता है कि हर एक कॉलेज से 10 टीम्स ही जा सकती है मेन हैकेथॉन में, और 5 टीम्स मतलब वेट लिस्टिंग होती है। वेट लिस्टिंग मतलब कि अगर 10 टीम का नहीं हुआ कुछ तो फिर उसके बाद वो 5 टीम्स जो है वो बच के जा सकती है। सो काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। सो अभी मतलब कि जब इंटरनल हैकेथॉन होता है, सो इंटरनल हैकेथॉन में भी बहुत सारे लोग आते हैं। सो उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होता है कि सबसे टॉप टॉप 10 टीम्स कौन सी है, टॉप 15 टीम्स कौन सी है, और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। और ये सब होने के बाद, मतलब इंटरनल हैकेथॉन का शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, आपको मेन हैकेथॉन के लिए रजिस्टर करना होता है। सो ये कॉलेज कॉलेज खुद करवाता है, आपके जो भी 15 टीम्स है उन सब का रजिस्ट्रेशन कॉलेज खुद करवाता है। एंड देन कॉलेज होने के कितने कितने टीम्स आए थे आपके आपके वक्त? अपने कॉलेज से भी 10 टीम्स गए थे, टॉप 10 टीम्स गए थे, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिक्स करके 10 टीम्स होती है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर के अलग 10 टीम्स और हार्डवेयर के अलग, दोनों के एक साथ ही होते हैं। सो इसलिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे कॉलेज से कुछ 96 या 98 टीम्स थी। सो उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके ये सब निकाला था। सो टीम मेंबर्स आप चेंज कर सकते हो, कि अगर आपको टीम मेंबर्स चेंज करने कि पहले इंटरनल में कुछ और थे और मेन हैकेथॉन में कुछ और है, तो सो बेसिकली यही होता है। इसके बाद मतलब जब इंटरनल हैकाथॉन होता है तो कॉलेज खुद अपना रजिस्टर करता है 10 टीम्स और 5 टीम्स जो भी वेट लिस्टिंग है उसका। एंड देन आपका मतलब इंडिविजुअली ग्रुप का रोल शुरू होता है यहाँ पर, कि आपका जो प्रेजेंटेशन एक आपको अपलोड करना होता है, कि आपका PPT की एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम को। सो ये सब चीज़ें उसमें बतानी होती है, बहुत ब्रीफ, मतलब एक दो स्लाइड का ही सिर्फ PPT बनाना होता है। सो मतलब कि थोड़ा अनफेयर है ये कि बिना PPT मतलब कि बिना प्रेजेंट किए ही आप जज कर रहे हो इसे। सो ऐसा होता है कि ये PPT के बेसिस पर ही वो शॉर्टलिस्ट करते हैं टॉप 10 टीम्स, और सिर्फ टॉप 10 टीम्स को ही वहाँ पर बुलाया जाता है, मतलब फाइनल में। मतलब आपका कंटेंट कितना अच्छा है वो PPT के अंदर, वो सबसे पहले वो देखते हैं। करेक्ट करेक्ट, बट एनी वेज मतलब ऐसा पूरा प्रोसेस है उनका। फिर आपके टॉप 10 टीम्स जो है वो वहाँ पर जाती है, वहाँ पर बुलाया जाता है, फिर एक दो दिन का उनका प्रॉपर मतलब वहाँ पर इवेंट होता है। एंड देन फिर आपका वहाँ पर 10 टीम्स जो है उन्हें मतलब कि काम करने का टाइम देते हैं, और फिर एंड में आपको प्रेजेंट करना होता है पूरा सब, मतलब आपका प्रोटोटाइप, आपने सोल्यूशन क्या दिया है, फिर आपका प्रेजेंटेशन, वो सब आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है। एंड देन जो भी जिसका भी बेस्ट होता है वो निकाले जाते हैं। अच्छा, तो आपकी जो PPT बनाई थी आपने, तो वो कितने पेजेस की बनी थी? हमारा तो PPT आई गेस चार, हाँ चार स्लाइड्स का ही बना था बस। अच्छा, मतलब वो चार और पांच लिमिट रहता है उनका? हाँ, मतलब आई गेस 4 स्लाइड्स का ही लिमिट होता है उनका। सो 4 स्लाइड्स के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम 5 तक शायद जा सकता है, लेकिन 4 स्लाइड्स मतलब कि मतलब मिनिमम ऐसे ही उतना ही देखते हैं कि 4 स्लाइड्स तक ही सब लोग देखते हैं, कि 4 स्लाइड्स का ही PPT होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे ढूंढा था, मतलब इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? हमारा जो मतलब कि कॉलेज ने तो ऐसे कुछ बताया नहीं था कि कब होने वाला है हैकेथॉन वो सब, लेकिन मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे जो कुछ टीम मेंबर्स थे सो वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इसमें। सो हमने बहुत पहले से ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उसको शॉर्टलिस्टिंग करना शुरू कर दिया था। सो हमने कुछ फेब एंड मार्च के फर्स्ट वीक में ही पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मतलब कि रीड करके ऐसे 4-5 निकाले थे। और फिर जैसे ही कॉलेज ने अनाउंस किया कि आपका जैसे ही कॉलेज ने अनाउंस किया कि आपका ये टाइम में इंटरनल हैकेथॉन होने वाला है, सो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनलाइज किया। सो हमने वही देखा कि हमारे टीम में कौन सा स्किल सेट सबसे ज़्यादा मतलब है, और फिर और कौन सी चीज़ें जो जल्दी सीखी जा सकती है। सो वैसे ही हम सब ने देख के फिर मतलब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट किया, और फिर उसके ऊपर काम किया पूरा। अच्छा, आपकी टीम में अभी कितने मेंबर्स हैं? हाँ, सो जैसे मैंने बोला कि 6 लोग का ही टीम होता है, सो हमारा भी वैसे ही हुआ कि इंटरनल हैकेथॉन में 6 लोग का टीम था, लेकिन फिर हमने इंटरनल हैकेथॉन के बाद एक टीम मेंबर हमारा स्विच हो गया, सो मतलब कि दूसरा टीम मेंबर आ गया किसी और की जगह पर। सो अभी भी 6 लोग ही है, सो वैसे ही है अभी। तो अभी हम जैसे टीम मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी बता देना कि कैसे टीम को चूज़ किया जाता है, टीम मेंबर को चूज़ किया जाता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो वो ज़रा ऑडियंस को बता रहा आपने। राइट, सो
सो सबसे पहले तो मतलब ये थोड़ा क्लियरिटी होना चाहिए कि ये मतलब एक काइंड ऑफ कंपटीशन है. सो यूजुअली लोग ऐसे दोस्तों को ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अलग अलग स्किल सेट जो है वो कैसे आ सकते हैं हमारे ग्रुप में. क्योंकि हैकाथॉन में बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि एक दो दिन में पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है. मतलब वो सोच के कि कौन बैक एंड करेगा, कौन फ्रंट एंड करेगा, फिर इंटीग्रेट कौन करेगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑल्सो मतलब रिसर्च का भी वर्क बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे ही चूज़ करने चाहिए मेंबर्स कि अलग अलग डोमेन्स के जिसको नॉलेज है. मतलब कि हमारे टीम में दो लोग थे जो फ्रंट एंड कर रहे थे, दो लोग थे जो बैक एंड कर रहे थे, और बाकी के जो दो बचे थे तो वो पूरा इंटीग्रेशन का देख रहे थे. फिर और भी मतलब कुछ और ऐड करना है चीज़ें, या फिर कैसे प्लान करना है पूरा चीज़, तो ये सब देख रहे थे. मतलब कि एक टीम एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो टीम मेंबर्स है. सो टीम मेंबर्स थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी चाहिए, और अगर हमारे लैंग्वेज में बोले तो एक दो बाप कोडर्स भी चाहिए हमें. क्योंकि अगर सिर्फ बोलने वाले लोग हैं तो वो नहीं चलने वाला वहाँ पर काम. हमें मतलब कोडर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो एक दो तो ऐसे कोडर्स चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. क्योंकि वो मतलब नीडेड होता है. मतलब इतने सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लोग तो चाहिए. मतलब दो तीन लोग तो टीम में होने चाहिए बस. मतलब अलग अलग डोमेन के यहाँ पर टीम मेंबर्स आपको चाहिए होगी इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए. करेक्ट, मतलब इस हैकेथॉन में नहीं, नॉर्मली कोई भी हैकेथॉन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो मतलब बहुत अलग अलग स्किल सेट्स के आपको लोग चाहिए होंगे. सो बेसिकली मतलब यही है टीम मेंबर्स का. मतलब अपने को काम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो अलग अलग डोमेन के यहाँ पर टीम मेंबर्स लगेंगे, तो ये करेक्ट बहुत मेन पार्ट आ जाता है हैकेथॉन के इस करेक्ट करेक्ट अंदाज में. तो आप अभी बात कर रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, तो जरा आपके प्रोजेक्ट के बारे में जरा हमें अपने ऑडियंस को जरा बताओ कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और आपके प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स आपने अभी ऐड करने वाले और ऐड करे हैं जो इंटरनल हैकेथन हुए थे उसमें. अभी तक तो मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस में ही है. मैं सब प्रोजेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैं बता दूंगा. हमारा टिकटलेस एंट्री सिस्टम करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. वो अभी मतलब मैक्सिमम रीच कर चुका है, जितने 125 एंट्रीज मैक्सिमम होती है कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए. अभी 125 एंट्रीज आ चुकी है उसके लिए. कंपटीशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होने वाला है. हमारा वही है, QR स्कैनिंग का है. उन्होंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसी में मेंशन किया था कि आपका जो टिकटलेस एंट्री सिस्टम है वो QR स्कैनिंग के थ्रू होना चाहिए. हमारे प्रोजेक्ट में वही है कि QR स्कैन करके आप मतलब कि आपका जो टिकट है वो डायरेक्टली आपके मेल पर QR के थ्रू आ जाएगा. बेसिक आइडिया वही है कि आपका जो टिकट फिजिकली आपको जाके देना पड़ता था, पेपर टिकट होता था, वो एलिमिनेट हो जाएगा पूरी तरह से. ये पूरा सिस्टम में वही है. अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स आए और जल्दी मतलब पता चले कि आगे क्या करना है. अभी एज सच इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर. तो मतलब मैं भी कॉलेज में हूँ, तो आप अपने कॉलेज का कुछ चल रहा था, एग्जाम्स वगैरह, तो आपने वो सब कुछ कैसे मैनेज किया इस प्रोजेक्ट के साथ, तो वो भी जरा बताओ. कॉलेज का मैं आपको कॉलेज का मैं आपको बता देता हूँ कि लकीली हमने जो हमारे EDI गाइड थी, मतलब EDI मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि EDI मतलब मेजर प्रोजेक्ट होता है अपना. मतलब कि जो हमारा सेमेस्टर का मेजर प्रोजेक्ट होता है. उसको हमने हमारे गाइड को कन्विंस किया कि हम जो हमारा SIH का प्रोजेक्ट है वही हम लोग मेजर प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं. उसके वजह से जो हमारा मतलब कि जो दूसरा मतलब कि अलग प्रोजेक्ट बनाने में जो टाइम लगता था वो बच गया सीधा. इसलिए हम थोड़ा सा वो साइड में तो लकी थे. ऑल्सो मतलब कि इस पर बहुत सारे दिनों से हम काम कर रहे थे. मतलब एक दो वीक से हम लोग इसी पे काम कर रहे थे, और फिर मतलब सब पूरा टीम ही काम कर रहा था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा लोड टाइप तो आया नहीं हमें. मतलब ऐसे ही मैनेज हो गया वो सब. ओके, तो मतलब आपने गाइड से बात की कि कैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है प्रोजेक्ट का, वो सब कुछ वो आपने गाइड के साथ कंसर्न किया सबसे पहले? नहीं, सो एक्चुअली हमारा कोई मेंटर था ही नहीं. मतलब ऑनेस्टली होना चाहिए था मेंटर. जो हमारे कॉलेज है उन्होंने भी बोला था कि मेंटर्स की लिस्ट दी थी कि ये मेंटर्स होने चाहिए, बट हमने मतलब कि कोई भी हमारा कोई भी मेंटर एज सच नहीं है. हमारा मतलब कि सीधा हमने खुद ही मतलब पूरा प्रोजेक्ट करके दिखा दिया था. इवन नाउ अभी हमने पूरा मतलब सबमिशन सब हो गया है, लेकिन तभी भी मेंटर्स का कॉलम खाली है हमारा. हमने एक दो चीज़ों को हमने एक दो प्रोफेसर्स को हमारा प्रोजेक्ट दिखाया था, बट फिर थोड़े से मतलब उनसे इनपुट्स लिए, लेकिन बाकी तो एज सच मेंटर या गाइड हमारा कोई नहीं था.
बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके अंकुर। तो जरा इस अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को जरा बता देना कि कैसे, मतलब अभी जो अपकमिंग हैकाथॉन्स है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है उनको भी, तो मतलब वो भी प्रिपेयर रहेंगे कि आने वाले हैकाथॉन्स में कैसे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू यार, मतलब मैंने भी इतना कुछ नहीं किया है, मतलब एक एक दो हैकाथॉन ही सिर्फ लिए, बट मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, वही मैं बोलूँगा, अलग अलग स्किल सेट्स ट्राई करने चाहिए, और सबसे अच्छी चीज़ की मतलब ऐसे लोग पता होने चाहिए कि जिनके पास ये स्किल्स है, आपको जब ज़रूरत होगी तब उनके साथ आप टीम अप कर सकते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा नेटवर्किंग भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि जो जो आपको लोग पता है कि ऐसे काम कर सकते हैं, या फिर मतलब अगर आपको एक स्किल आता है तो दूसरा स्किल किसे आता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आप टीम अप कर सकते हो। सो बेसिकली वही है, आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि मतलब सबको पता है थर्ड फोर्थ ईयर में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सो अगर हैकेथॉन ये सब करना है तो सेकेंड ईयर बेस्ट होता है। सो क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आप मतलब कि बहुत ज़्यादा नए होते हो। सो मैं बताना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे हैकेथॉन में, इंटरनल हैकेथॉन में टॉप 30 टीम्स जो आई थी उसमें से एक दो टीम्स फर्स्ट ईयर की भी थी। सो मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग था ये, और मतलब काफ़ी अमेजिंग है ये कि फर्स्ट ईयर के लोग आके कम्पीट कर रहे हैं हमारे साथ, तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था उसमें भी कि फर्स्ट ईयर के लोग भी इतना ज़्यादा आजकल मेहनत कर रहे हैं। सो मतलब काफ़ी अच्छा भी एनवायरनमेंट बन चुका है, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए कि मतलब जैसे अपने को भी एक्सपीरियंस आ जाता है कि कैसे सब कुछ चीज़ें हो रही। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो थोड़ा चीज़ें को एक्सप्लोर करना सीखो, नए नए स्किल सीखो, जिससे आपको सेकंड ईयर में उसका फायदा जरूर होगा, जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं वो आप कॉम्पीट कर। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा अंकुर आपके साथ बात करके, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी बहुत वैल्यूबल रहेगी अपने ऑडियंस के लिए। तो मैं और एक बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अपना अंकुर भाई का भी एक चैनल है अंकुर राउत नाम का, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे वैल्यूबल कंटेंट वो डालता रहता है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना आप भी। तो थैंक यू अंकुर, थैंक यू यार, मतलब मुझे बुलाने के लिए। मैं भी बोलना चाहूँगा कि आदित्य बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मुझे बताए वो कॉलेज में मतलब कि इतने सारे आपको जो नोट्स प्रोवाइड करता है या फिर जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है। सो मतलब आप सबने उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो सब्सक्राइब करके ही कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आदित्य के भी, एंड या बहुत मज़ा आया आदित्य, एंड थैंक्स यार मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू।